press the bell icon on the YouTube app and never. और जिन जिन मजारों पे, जिन जिन मजारों पे वक्फ बोर्ड ने अपना धाबा बोला हुआ है और जिन जिन मजारों की तख्ते पर जो जो पीर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, वो नाम अल कुरान में कहीं पर भी नहीं। इतने बाबे आ कहां से गए, मुझे ये समझ नहीं आती कि 53 लाख बाबे कहां से आ गए। 53 लाख, और आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर किस पीर की मां ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था। तो मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक केस किया है और मैंने पूछा है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि अल कुरान में, इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र कहां पर है। दूसरा, फिर उन्होंने संसद के, लोकतंत्र के मंदिर के संसद के पटल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम देखिए बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई भी मस्जिद में जा सकता है। अब मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भारत के सभी मस्जिदों का डेटा मैं आपको भेजती हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि औरत के लिए नमाज पढ़ने की मखसूस जगह कहाँ पर है और क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और देखो कि यहाँ पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना, पीर बाबा वहां जन्म दे दिए, मतलब पीर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके, पजामा खोल करके वहां पे बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। पीर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनेंगे। उसके बाद फिर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, मुसलमान पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि ये तो हमारी संपत्ति है, मुगलों ने छोड़ी थी हमारे लिए, ये देखिए ये देखिए ये ब्लू प्रिंट है हमारे पास, ये मुगल अक्रांत है, यहां से यहां आए थे और यहां से यहां घूम करके गए थे, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आता है उस बीच में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा परेशान हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा मुसलमान पक्षों को समर्थन तो देता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि देता है। हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका उनके इमोशन का की बहुत कदर करता है, मुसलमानों के जज्बात की बहुत कदर करता है। अब तो सर्वोच्च न्यायपालिका भी खामोश हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कल को कह दे सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब यहां पर तो कड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, चाहे मुझे जितना ही अंदर दिल में मोहब्बत है मुसलमानों से, क्योंकि नेहरू साहब बोल करके गए हैं कि मुसलमानों से मोहब्बत करते रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हमारे भारत में छोटे बड़े मिला करके 53 लाख मजारे हैं, 53 लाख, और जिन जिन मजारों पे वक्फ बोर्ड ने अपना धाबा बोला हुआ है और जिन जिन मजारों की तख्ते पर जो जो पीर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, वो नाम अल कुरान में कहीं पर भी नहीं। इतने बाबे आ कहां से गए, मुझे ये समझ नहीं आती कि 53 लाख बाबे कहां से आ गए। 53 लाख, और आप सोचिए कि रेलवे स्टेशन पर किस पीर की मां ने पजामा खोल के बच्चा पैदा किया था। तो मैंने राहुल गांधी जी के ऊपर एक पर्टिकुलरली एक केस किया है और मैंने पूछा है कि अब आपको बताना पड़ेगा कि अल कुरान में, इस्लाम में अभय मुद्रा का जिक्र कहां पर है। दूसरा, फिर उन्होंने संसद के, लोकतंत्र के मंदिर के संसद के पटल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम देखिए बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई भी मस्जिद में जा सकता है। अब मैंने उनसे ये भी पूछा है कि भारत के सभी मस्जिदों का डेटा मैं आपको भेजती हूँ, आप उसमें बताइए मुझे कि औरत के लिए नमाज पढ़ने की मखसूस जगह कहाँ पर है और क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के आप मस्जिद जा सकते हैं। मिलती जुलती बातें हम आज करेंगे वक्फ बोर्ड के मुतल्लिक, के वहां पर एक अमेंडमेंट बिल पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर,
कौन से ऐसे बड़े काम होने जा रहे हैं इसके नतीजे में जिसकी वजह से इतनी हाहाकार मची हुई है और वहां पर जो अवैसी कैंप है शोक का समा है, क्या होने क्या जा रहा है वहां पे? एक्चुअली 5 अगस्त जब भी आता है ना तो हमारे भारत के विपक्षी दल असदुद्दीन अवैसी हुए, अखिलेश यादव हुए और राहुल गांधी जी हुए, बड़े बेचैन हो जाते हैं और बड़े तिलमिला से जाते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म हुआ, 5 अगस्त 2020 में श्री राम भगवान की भूमि पूजन हुआ था भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और फिर 5 अगस्त 2024 आया तो ये लोग परेशान हो गए क्योंकि सरकार भी मोदी जी की है तो कहीं कुछ बहुत बड़ी चीज ना आ जाए सामने, और एग्जैक्टली हुआ वही। और वक्फ बोर्ड पर बहुत जमाने से बात चल रही थी, वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी सारी कुरनीतियां और काफी सारे एक क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो मुजफ्फर भाई गाये बगाये सुनने में आ रहा था, और कई केसेस तो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके थे कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड कुछ भी कर ले रहा है। अब जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं रिसर्च में और इतिहास के पन्नों को खोलने में बड़ा मुझे मजा भी आता है, मैं बड़ी माहिर भी हूँ, तो वक्फ बोर्ड सऊदी अरब में तो नहीं है। आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? नहीं, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है, ईरान में भी नहीं है, उज्बेकिस्तान में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं है, तो कई सारे मुस्लिम मुल्कों में और वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में वक्फ बोर्ड है। पहले मैं इस पर आपको एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ, एक जोक सुनाना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर अपनी बातों का आगाज करूँ। एक बार बहुत सारे कुत्तों की भीड़ जो है ना वो बैठी हुई थी भारत के एक बाजार के पास, तो एक कुत्ता बहुत सफेद था, गोरा था, वो आया और सारे कुत्ते जो भारत के थे उसने उससे पूछा, अरे भाई तुम यहाँ क्यों आ गए, यही के हो क्या? तो वो कुत्ता कहता है कि नहीं मैं दुबई से आया हूँ। तो कह रहा है कि दुबई में खाने पीने की कमी थी क्या तो यहाँ चले आए? तो कुत्ता कहता है कि नहीं, सारी चीजों की बहुत ऐश थी, बहुत आराम था, सब कुछ था, पर भौंकने की आजादी जो भारत में है ना वो वहां नहीं थी। तो अब मैं आपके प्रोग्राम का और आपके टॉपिक का आगाज करती हूँ। 1931 में ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया था वक्फ बोर्ड को, हमारे भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का दिया हुआ और जिन्ना का दिया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है, और ब्रिटिश का दिया हुआ 1931 का एस्टैब्लिश किया हुआ वक्फ बोर्ड भी बहुत पसंद है। 1954 में वक्फ बोर्ड को बनाया गया अप्रोप्रिएटली नेहरू जी के नेतृत्व में। 1995 और 1994 के बीच में गांधी परिवार के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड को खुली छूट दी गई ताकि वो लैंड माफिया बन सके, और ऐसे ऐसे प्रावधान और प्रोवोकेशंस वक्फ बोर्ड को दिए गए और मुसलमानों को दिए गए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, और वक्फ बोर्ड वहां से ही एक लैंड माफिया के की शक्ल ले लिया। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और सोनिया एंटोनियो के इशारे में और राहुल गांधी जी के मशवरे पर वक्फ बोर्ड में कुछ ऐसे भी संशोधन किए गए और ऐसे भी प्रावधान उनको दिए गए कि वो जिस चीज पर उंगली रखेंगे वो चीज वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अब आती है बात कि 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन होने वाला था तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन से मात्र 5 दिन पहले कांग्रेस ने सोनिया एंटोनियो, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी भारत की 123 बड़ी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर देते हैं। भारत की 123 बड़ी प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट करते हैं, और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वक्फ बोर्ड को अगर वो भारत की 130 बड़ी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं तो मुसलमान कांग्रेस को वोट कर करके उनको सत्ता में लेकर के आएंगे। हालांकि उस वक्त जब भाजपा विपक्षी दल में था, 2013 की बात और 14 की बात मैं कर रही हूं जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था,
और विश्व हिंदू परिषद वाले और भी कई नागरिक जो है, देश के नागरिक जो है जिनको भारत की भूमि से बहुत मोहब्बत है, वो इलेक्शन कमीशन चले गए थे और उन्होंने कहा था कि ये गलत हुआ है। 123 बड़ी प्रॉपर्टीज कांग्रेस अपने बाप की जागीर समझ करके वक्फ बोर्ड को ये गिफ्ट कर रहा है, तोहफा और तहाइफ दे रहा है। हालांकि उस मामले को इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि 5 दिन के बाद लोकसभा इलेक्शन था, नल एंड वॉइड कर दिया था और आज भी वो 123 बड़ी प्रॉपर्टी का मामला जो है वो न्यायपालिका में चल रहा है और वो अटका हुआ है। अब आती है बात कि हमारे भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और उसके बाद आर्मी के पास है, उसके बाद। अब आती है बात कि जब भी वक्फ बोर्ड के कमान को खींचने की बात कही जाती है, उसके पावर को कम करने की बात कही जाती है, तो वक्फ बोर्ड के लोग और मेंबरान ये चिल्लाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को बहुत ह्यूमिलिएट और हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। और बयान आता है वक्फ बोर्ड के लोगों का, मेंबरों का, जो 100% मुस्लिम्स होते हैं, और बयान आता है रशीदी का, बयान आता है अवेसी का, अरे वक्फ बोर्ड तो अल्लाह की राह में जो लोग होते हैं वो उसमें अल्लाह की राह में डोनेट। अब अल्लाह की राह में डोनेट की हुई प्रॉपर्टी अब भारत में 9.4 लाख एकड़ हो चुकी है। ये तो बड़ा लैंड माफिया बन चुका है। इसलिए मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। ये अल्लाह की राह में और भीख मांगते मांगते इन्होंने 9.4 लाख एकड़ जमीन, लाख एकड़ जमीन इन्होंने जमा कर ली। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे वक्फ बोर्ड की जो सच्चाई है उसको एक्सपोज किया कि कैसे वक्फ बोर्ड इतने सालों से अपनी मनमानी करता रहा और सरकारी जमीन पे अपना कब्जा करता रहा। अगर हम फैक्ट्स देखें तो वक्फ बोर्ड ने ना कोई गांव छोड़ा ना मंदिर छोड़े, बल्कि 5-स्टार होटल से लेके रेलवे की जमीन पे भी अपना कब्जा जमाया, जिसे नाजिया खान जी ने बड़ी बेखूबी से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।